आज फिर हम आए हैं ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट में, जो कि 79 सेक्टर में है, फरीदाबाद में पड़ता है ये। और ये पूरा ऐसा एक सिटी बना रखा है जो ऐसा लगता है जैसे आप फॉरेन कंट्री में आ गए। मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। चेयर्स बिछी हुई हैं, आप बैठिए, इंजॉय कीजिए, कुछ भी खाना पीना है। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे और ब्रांडेड शॉप्स भी यहाँ पे। मैंने अपने एक दो वीडियोस में यहाँ का वीडियो डाला हुआ है, लेकिन आज मैं अपने बेटे के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आई हूँ, तो इसलिए मुझे लगा चीज़ें ना चेंज होती रहती हैं। अभी बहुत सारी दुकानें यहाँ पर हैं जिनमें सेल लगी हुई, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं फिर दोबारा से वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के लिए मैं ये मतलब YouTube पे डालूँ, जिससे आप लोगों को पता चले कि हाँ यहाँ पर भी इन चीज़ों की सेल लगी है, तो आप यहाँ पर आके शॉपिंग कर सकते हैं। अगर हो सकता है आप नियर बाय फरीदाबाद में रहते हो, आपके घर से नज़दीक पड़ता हो, या सोच रहे हो कि कुछ नई जगह पे जाना चाहिए या कुछ नया खाने का टेस्ट करना चाहिए, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और सबसे मेन बात यहाँ पर पार्किंग की कोई भी टेंशन नहीं है। पार्किंग के लिए बहुत इनफ प्लेस है यहाँ पर, अंदर भी है और आप जो शॉप्स हैं बाहर वहाँ पर भी आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हो, तो मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। अगर कितनी भी भीड़ यहाँ पे हो तो गाड़ी को पार्क करने के लिए कोई परेशानी नहीं होती है। और हाँ, यहाँ पे फैमिली एटमॉस्फेयर रहता है। किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, फैमिलीज आपको नज़र आएंगी। और अगर आप अपनी किटी सेलिब्रेट करना चाहते हो, किटी बनाना चाहते हो, मतलब किटी करना चाहते हो, किटी पार्टी करना चाहते हो, तो भी आप यहाँ पे अपनी टेबल बुक कर सकते हो। जैसे ओम स्वीट हाउस है वहाँ पर, आपके किसी बच्चे का बर्थडे है वो भी आप सेलिब्रेट कर सकते हो। तो बहुत अच्छा है, मतलब टोटल मिलाकर जिसे बोलते हैं ना, सारी वो चीज़ें हैं जो हम एक फैमिली को चाहिए होता है। एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो, मतलब जिसे बोलते हैं ना पीसफुल, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, बहुत ज़्यादा रश और बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना कि क्राउडेड और बहुत शोर शराबा, वो सब चीज़ें नहीं हैं। बड़े तरीके से लोग यहाँ पर रहते हैं, आते हैं, खाते हैं, अपना इंजॉय करते हैं, वो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ। और हाँ, सेल वगैरह भी काफ़ी थी यहाँ पर, कपड़ों पे भी थी, शूज़ पर भी थी, और जो ज्वेलरी है यहाँ पे पर्ल के सेट वगैरह मिलते हैं उस पर भी काफ़ी मतलब की सेल थी। वो सब चीज़ें भी यहाँ पर मतलब सेल में लगाई हुई थी।
देखिए बना हुआ कितना अच्छा है। मैं तो जब भी यहाँ आती हूँ ना, मेरा मन करता है कि मैं वीडियो शूट करूँ, वीडियो बनाऊँ इन सब चीज़ों की। कल को मैं यहाँ नहीं रहती या मैं कहीं और रहती तो मैं इन सब चीज़ों को अपनी इन वीडियो में देख सकती हूँ। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है, कैप्चर करना चाहती हूँ मैं हर एक चीज़ को, जहाँ पर भी मैं घूमने जाती हूँ, कि कल को फ्यूचर में अगर मैं उस जगह पर नहीं हुई तो मैं उनको वीडियो के थ्रू अपना देख सकती हूँ कि हाँ मैं वहाँ पर गई थी, मैंने देखा था, ये सब चीज़ें ऐसी थी। मतलब जो भी मुझे चीज़ें अच्छी लगती तो मेरा मन करता है कि उनकी मैं वीडियो बनाऊँ और घर आके आराम से देखूँ। देर घूमने के बाद फिर हम तुलसी रेस्टोरेंट पे गए। वैसे तो हम हमेशा ओम स्वीट हाउस में जाते हैं, बट अब की हमने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं, तो हम तुलसी रेस्टोरेंट में गए। हमने खाया यहाँ पर, थाली ली और नूडल्स वगैरह लिए, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया जितना कि हमें ओम स्वीट में आता है। तो पर ठीक था, मतलब न्यू जगह पर नई चीज़ें टेस्ट करना थोड़ा सा एक अलग हो जाता है, बट ओम स्वीट हाउस का हमें ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए अब घूम घूम के हम थक गए हैं, तो अब जा रहे हैं हम घर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। हमेशा अपना ध्यान रखिएगा, और अगर आप नियर बाय रहते हैं फरीदाबाद के और आप नए ही शिफ्ट करें हैं फरीदाबाद में, आपको नहीं पता कि कहाँ पर आपको जाना चाहिए, कोई कौन सी अच्छी जगह, यहाँ पर आप आ सकते हैं।